तो दोस्तों आपका स्वागत है डिजिटल टेक्निकल पॉइंट में। दोस्तों तो आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 2। दोस्तों हम कह रहे हैं पोकेमॉन एश इनोवा रीजन। तो पिछले ही एपिसोड में इनोवा रीजन की तरफ आते समय हमारा पिकाचू हो जाता है बीमार और हम प्रोफेसर को कॉल लगाते हैं ताकि वो पिकाचू की जांच कर सके। जब पिकाचू की जब जांच हुई थी तो पता लगा था कि पिकाचू में मतलब कुछ एक्सेस बिजली ज़्यादा हो चुकी है बॉडी में, और उसके बाद हम पिकाचू का पीछा करना पड़ता है क्योंकि पिकाचू वहाँ लैब से भाग जाता है और फिर टीम रॉकेट आती है पिकाचू को पकड़ने के लिए, पर हम गलती से किसी की साइकिल तोड़ देते हैं और वो मे होती है। और हमने देखा था इनोवा रीजन के पहले 3 पोकेमॉन, और उसके बाद हम निकल चुके थे हमारी अगली सिटी की तरफ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। आपको आज का ये पार्ट कैसा लगा साहब, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। और साथ में दोस्तों पिछले मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो इस बार मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। अगर आप डीप पोकेमॉन हार्ड फैन हो तभी आप जवाब दे पा, क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे ताकि हम अपना पहला जिम बैच हार सकें, क्योंकि हमारे पास 3 पोकेमॉन नहीं है और मुझे पता है पहले बैच के लिए ऐश को 3 पोकेमॉन्स की रिक्वायरमेंट थी। और यहाँ पे हम किसी को बुला रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे है तो हाँ, और यहाँ पे कोई आ रहा है। ओ ये देखो मैक्स, ओके हमने उसको डिस्टर्ब किया है क्योंकि वो सिल्वर कॉन्फ्रेंट लीक्स को देख रहा है। भाई वो तो रिपीट टेलीकास्ट देख रहा है क्या इतना पुराना? और यहाँ पे जो सिल्वर कॉन्फ्रेंट लीक, हाँ हाँ वो हमें पहचान रहे होंगे। एक मिनट, हम सेकेंड राउंड में हार गए थे, सच्चाई बात है यार, हमारा नाम तुम जानते हो ना, फिर ठीक है हम फिर भी हार गए थे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो हम हाँ हाँ हमारा फाइट ब्लेजिंग के साथ हुई ना, फायर टाइप और 14 टाइप, और हमारा 4000 फ्लाइंग टाइप था मुझे पता है, पर वो ऐश नहीं जीत पाया था। ओके अब बस ये, अच्छा मैक्स इस जिम यहाँ का जिम लीडर है, सब जानते हैं मैक्स नहीं है यहाँ का जिम लीडर। तो देखते हैं, रूल बिल्कुल ही सिंपल है, 3 पोकेमॉन्स का बैटल होगा, जो जीतेगा उसको बैच मिल जाएगा। 3-3 पोकेमॉन, क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं चलो बैटल करते हैं। अब पहले तुम अपने पोकेमॉन दिखाओ मैक्स। अच्छा पहले हम अपने 3 पोकेमॉन पहले दिखाएं, व्हाट इज मैटर। ओके तो यहाँ पे मे आ चुकी है, और मे को जब ये सुन के हम भी जरा हैरान से हो गए, यहाँ पे कोई और भी आ रहा है क्या? अच्छा उसके फैमिली मेम्बर नॉमन आ चुका है यहाँ पे, यहाँ का ट्रू जिम लीडर। बाकी नॉमन के साथ उसकी वाइफ है, और देखते हैं अभी हमारा नाम गलत क्यों ले रहा है बार बार। हाँ मानते हैं हम सेकेंड राउंड हार गए थे, पर हम वो मैचेस अलग थे, और साथ में ऐश ने जो गलती की थी वो अलग बात थी। और साथ में अब हम अपना जिम बैटल कर सकते हैं नॉमन के साथ, वैसे भी ये एक फेयर मैच नहीं होगा, रूल तो सिंपल ही थे बताया थे मैक्स ने, 3-3 पोकेमॉन्स का बैटल होगा, तो हमारे पास 3 पोकेमॉन ना होने की वजह से हम नहीं मतलब बैच ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी पिकाचू है, बाकी पोकेमॉन हम छोड़ आए हैं पहले टाउन में, ये बात है सिंपल सी, नहीं तो हम जीत जाते इस वक्त। अच्छा ये एक तरह के अनऑफिशियल जिम बैटल माना जाएगा, बाकी देखते हैं कितने लेवल का पोकेमॉन होगा इसका। विगरोथ, मुझे याद है ऐश ने विगरोथ से पहला बैटल किया था, तो ये आ चुका है विगरोथ। कितने लेवल का है? वह 4 लेवल का था, और ऐश विगरोथ से हार गया था कि जीता था याद नहीं आ रहा। ओके तो हम थंडर शॉक से शुरुआत करते हैं, थंडर शॉक विगरोथ पे। ओके विगरोथ ने किया मेटल क्लॉ, और इसके बाद हम दोबारा थंडर शॉक करेंगे इस पर, दोबारा थंडर शॉक करो पिकाचू। तो इसका मतलब इसका स्लैकिंग कितने लेवल का हो सकता है? अगर ये 4 लेवल खुद है स्लैकिंग मैक्सिमम 10 या 12 लेवल का होगा, उससे ज़्यादा का तो होगा नहीं। तो ठीक है अभी के लिए हमने इसको हरा तो दिया हुआ है, पर मेरे हिसाब से टीम रॉकेट अपनी टांग फंसाने ज़रूर आएगी, क्योंकि ये मैच एंड हुआ है पूरे का क्या। जेसी और जेम्स का डायलॉग शुरू हो चुका है, और जेसी जेम्स यहाँ पर आ चुके हैं, अब ऐसे दिख क्यों नहीं रही हमें, क्या इनविजिबल है क्या? बाकी देखते हैं क्या करने वाले। ये बोलेंगे वीजिंग स्मोक स्क्रीम करो, ए वीजिंग था क्या इसके पास? नहीं वीजिंग नहीं होगा मेरे हिसाब से, कोई और पोकेमॉन है इसके पास। एक मिनट क्या है इनके पास, वीजिंग थे कि चला गया था इनके बाद? आई थिंक आर्बोक और वीजिंग अब जाएंगे मे बी, हाँ इस बार जाएंगे, फिर इनको मिलेगा वो सर्वाइपर, और एक क्या मिलता है कैटनिया, हाँ हाँ ये 2 पोकेमॉन मिलते होते हैं इन्हें। तो वो मे का टॉर्चिक लेके यहाँ से भाग चुके हैं, और यहाँ पे अभी हम एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब हमें तक स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बने हैं ताकि हम नॉमन को हरा सकें। तो ठीक है अब चलते हैं बाहर की तरफ, यार ये थोड़ा सा मुझे मौसम का बड़ा अजीब सा लगता है हिसाब किताब। ओके तो नॉमन ने कहा कि वो लोग उन्हें फाइंड कर चुके हैं, तो हम उनको फॉलो करके चलते हैं। तो ये रही टीम रॉकेट, तो हमारे नॉमन कह रहा है कि मेरी बेटी का पोकेमॉन वापस कर दो। म्याउथ बिना क्या है यार, गो आर्बोक गो वीजिंग, ओके
तो वीजिंग और आर बॉक्स से शुरुआत होगी, तो देखते हैं कितने लेवल होंगे। चार चार या पांच पांच लेवल के तो उनके होंगे ही मैक्सिमम। ओह मैं तो कितने गए गुजरे, तीन लेवल का उनका आर बॉक्स। ओके हमारा तीन लेवल बड़ा है उनसे। एक मिनट, पिकाचू फीमेल हो गया या ये क्या हो रहा है, कभी मेल करते कभी फीमेल कर देते हैं। चलो पिकाचू तो पिकाचू ही है। ओके ओह चार बॉक आर बॉक्स जाएगा, सॉरी आर बॉक्स पे एक और थंडर अटैक करेंगे हम। थंडर नहीं, थंडर शॉक, थंडर अटैक तो अलग अटैक हो गया ना। दोबारा से एक थंडर शॉक और शायद ये पूरा जाए, चला गया पूरा शायद। क्या था अगला होगा, वीजिंग। आई थिंक वीजिंग फोर लेवल का होगा या फाइव लेवल का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। देखते हैं कितना एस्टिमेट लगता है नेक्स्ट। ओ थंडरबोल्ट सात लेवल पे आ गया इतनी जल्दी। चलो हमें सिखाने से मतलब है, टेल भी हटा देते हैं और इसको सिखा देते हैं थंडरबोल्ट अटैक, जो बहुत ही अच्छा अटैक है। ओके तो नेक्स्ट पोकेमोन है इनका वीजिंग और आई थिंक वो फाइव लेवल का होना चाहिए, फोर टू फाइव, बाकी देखते हैं। ओके मतलब वीजिंग भी गया गुजरा, ये भी तीन लेवल का निकला। ओके तो हमने दोबारा किया थंडरबोल्ट अटैक और वीजिंग हो चुका है पैरालाइज। अरे पैरालाइज पे क्या आ गया हुआ है थोड़ा सा। ओ नो अच्छा पॉइजन नहीं हुआ, थंडरबोल्ट या थंडर सा शॉक काफ़ी है, थंडरबोल्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके तो लेवल एट का हो चुका है पिकाचू, तो हमने फाइनली टीम रॉकेट को हरा दिया हुआ है। अब वो हमें तंग नहीं करेंगी टीम रॉकेट। चलो जिम लोग जाओ यहाँ से। तो टीम, अरे मौसम भी चेंज कर दिया, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी लग रही है। ओके तो वो अब यहाँ से अगली बार हम जिम बैटल करने ज़रूर आएंगे और साथ में मे भी डिसाइड करें कि वो हमारे साथ जाने वाली है और मैक्स भी इसको ज्वाइन करने वाला हमारे साथ। बाकी उन्होंने हमें मतलब ऑल द बेस्ट कह दिया हुआ है और यहाँ से हम चलते हैं पहले पोकेमोन सेंटर। वैसे ये अब थोड़ा सा सही लगा है, थोड़ा सा बाहर का जो अब जैसे क्लैरिटी हुई है कि हाँ वो ऑरेंज ऑरेंज वो हल्का हल्का डार्क डार्क मुझे इतना पसंद नहीं आया, बाकी ये सिंपल ऐसे सही लगा मुझे, डे टाइम एक तरह से लग रहा है। भाई साहब स्कैम हो गया हमारे साथ, ये कैफी से येलो कलर का हो गया यार, ये तो गलत किया इन्होंने। हम आ चुके हैं रूट नंबर 104 के पास। क्या वो पोकेबॉल ले सकते हैं हम? नहीं ले सकते, बाकी मैं नॉर्मन के घर जाके देखता हूँ। क्या अभी ताला लगा हुआ नॉर्मन के घर के यहाँ पे? हाँ डोर लॉक है अभी भी नॉर्मन का, तो नॉर्मन हमें नहीं एंटर करने देगा। ओके यहाँ ऊपर देख लेते हैं, वही बात होगी, नॉर्मन नहीं आने देगा हमें। ओके फिर ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं थोड़ा आगे तक, देखते हैं कि आगे जाने का रास्ता कहाँ से है। आई थिंक हमें ऊपर की तरफ चलना चाहिए और ये ऊपर की तरफ देख लेते हैं एक बार। ओके तो ये है जाने का रास्ता और ये है पेटलबग वुड्स। ओके तो इसके ये वाला पार्ट हम दोस्तों कल बनाने वाले हैं। अब चलते हैं पोकेमोन सेंटर एक बार और करते हैं इस वीडियो को एंड। आई थिंक आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये गेम भी। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको आज का ये गेम कैसा लगा। सब मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू वॉचिंग आर वीडियो।